वाजिल फरजहुम। आज अली की बेटियां मगमूम हैं। मौला कायनात ने फरमाया गदन तरौना अय्यामी, तुम ने मुझे बहुत मेरा दिल दुखाया है, तुम बाद में पहचानोगे मेरी अजमत को। ये इमाम का जुमला है तारीख में, मैं खुदा से दुआ करता हूँ वो मुझे तुमसे दूर कर दे। लोगों से कहते थे तुमने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। अजीज़ों, अली का दिल फकत आज नहीं दुखाया, अली का दिल तो उस वक्त दुखाया था जब जहरा को दरबार में बुलाया था। रोने वाले आए हैं अली इब्न अबी तालिब का मातम करने, आज रसूल अल्लाह को पुरसा देना है उनके वसी का, आज फातिमा जहरा को पुरसा देना है। ए बीबी, आपने जिसकी विलायत की खातिर अपनी जान कुर्बान की थी, आज उसकी शब ज़रबत आ गई है। आज अली की औलाद को पुरसा देना है इमाम हसन, इमाम हुसैन, अबल फजल अब्बास, बीबी जैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, अली की बेटियों को, अली की औलादों को। हदीस में रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि अली की मंजिलत, अली का हक, हक को अली जिन अला हाजिल उम्मा का हक वालिद अलल वलद या अला वलद, अली की मंजिलत और अली का हक उम्मत पर ऐसा है कि जैसे एक बाप का हक औलाद पर होता है। तो आज मैं आपसे कहूं कि हमारे बाबा की शब ज़रबत है, आज हम यतीम होने जा रहे। आज सैयद हो या गैर सैयद, लेकिन अली जिन अबी तालिब से जो ईमानी रिश्ता है, या अल्लाह, अली का दिल तुमने उस वक्त दुखाया था कि जब जहरा को दरो दीवार के दरमियान पीस दिया था, अली का दिल उस वक्त दुखाया था कि जब मोहसिन को शिकम मादर में मार दिया था, अली का दिल उस वक्त दुखाया था कि जब जहरा को मदीना की गलियों में गिरा दिया था। हाय हाय हाय, मौला से पूछा जाता सबसे मुश्किल मौका कौन सा होता है एक मर्द के लिए, फरमाया जब उसके सामने उसकी जौजा को मारा जाए, उसे सब्र करना पड़े। अली जिब्न अबी तालिब ने नहजुल बलागा में कहा, मेरी आंखों में कांटा था, मेरे हलक में हड्डी थी, मैंने सब्र किया। अभी हमजा के हज़रत हमजा के कातिल की बात होती है, वो वहशी, रसूल अल्लाह ने सबको चूँकि आम माफ़ी का ऐलान किया था फतेह मक्का के बाद, लेकिन उससे ये कहा था तू मेरे सामने नारा कर, तू चला जा मदीना से, इसलिए कि जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे हज़रत हमजा की शहादत याद आती है। रसूल अल्लाह चंद दिन भी हमजा के कातिल को नहीं देख पाए थे, मौला अली 25 साल तक जहरा के कातिलों को देखते रहे, सब्र करते रहे। या अली हैदर कर्रार, एक मौका वो आया। बस अजीज़ों, आज की शब के लिए 30 साल पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने बीबी जहरा को दफन करते हुए कहा था कि नफ्सी आला जफरात हा महबूसा, ऐ जहरा मैं आपको दफन कर रहा हूँ, मेरी सांसें मेरे सीने में रुक रही हैं। या लई तहा खरजत माज जफराती, खाश काश इस आह के साथ मेरी सांस में निकल जाए, अली दुनिया से चला जाए। 30 साल अली ने आज के दिन का इंतज़ार किया था। 13 रमज़ान से वसीयतें मुकम्मल की, 41 हिजरी का रमज़ान था, इमाम हसन को वसीयत की, हुसैन को वसीयत की, मोहम्मद हनफिया को वसीयत की, और बार बार कहते थे अनकरीब ये दाढ़ी अली के खून से रंगीन हो जाएगी, अनकरीब ये दाढ़ी अली के खून से खिजाब हो जाएगी। 19 रमज़ान की शब आ गई, आपने कहीं ना कहीं इफ्तार किया होगा, आज अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के यहाँ इफ्तार किया। अली ने अपने दुख्तर बीबी उम्मे कुलसूम के यहाँ इफ्तार किया। जब बाप आए बेटी के यहाँ इफ्तार करने, तो क्या बेटी के दिल की खुशी होगी? तो जो कुछ रख सकती थी वो रखेगी ना बेटी, ताकि मेरे बाबा अच्छे से अच्छा इफ्तार करें। लेकिन मिजाज अली को जानती है ना, मिजाज अली को जानती है, लिहाजा एक दूध का जाम रखा, एक नमक की छोटी सी डली रखी, या अल्लाह, और एक सूखी रोटी रखी। मेरे मौला ने बीबी उम्मे कुलसूम को देखा, फरमाया ऐ बेटी, आप जानती हैं अली ने एक वक्त में दो गजाएं इस्तेमाल नहीं की हैं, इनमें से एक उठा लीजिएगा। उम्मे कुलसूम, बेटी का दिल था चाह नमक उठा लूं ताकि मेरे बाबा दूध पी ले, नमक उठाना चाह का नहीं बेटी नमक रख ले, दूध उठा ले, इसलिए कि अली को नमक बहुत मरगूब है। सूखी रोटी और नमक से इफ्तार किया अली जिन्ने अभी तालिब ने, और फिर रात का वक्त था, इबादतों में मसरूफ हो गए, बार बार सहने खाना में जाते थे, आसमान की तरफ देखते थे, कहते थे हाँ ये वही रात है, हाँ ये वही रात है। उम्मे कुलसूम का दिल तड़प गया, आकर कहा बाबा आप बार बार फरमाते हैं हाँ ये वही रात है, बाबा ये कौन
अली ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां है अली पर रोने वाले, मातम करने वाले? आज मौला का सर जख्मी होने वाला का। बेटी आप तो जानती हैं कि अली दुनिया में किसी पहलवान से खौफ नहीं खाया अली ने, लेकिन आज दुनिया के किसी पहलवान के सामने नहीं, आज रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी देनी है। बस अली आए, फिर उसके बाद लिखा है तवील सुरों की तिलावत में मसरूफ हो गए, बार बार सजदे में जाते थे, तवील सजदे फरमाते थे, उसके बाद उठे। अच्छा, रात का तकरीबन आधी रात का वक्त गुजर चुका था कि अली के घर के बाहर, बीबी उम्मुल्कुसुम के घर के बाहर कुछ तलवारों के, या अल्लाह, उनके टकराने की आवाज आई, जंकारों की आवाज आई। अली बाहर निकले, देखा हुज़ैफ़ा यमानी है, सुन लेना इस रवायत को, बहुत रोगे। हुज़ैफ़ा यमानी है, अपने 40 तलवार बरदारों के साथ मौजूद है। कहा है हुज़ैफ़ा क्यों आए हो आज? का मौला इब्तदाए रमजान से ये कान सुनते सुनते थक गए मौला कि ये दाढ़ी अली के खून से खिजाब होने वाली है। मौला तुफ है हमारी जिंदगी पर, अगर हमारे होते हुए कोई आपको मारकर चला जाए, मौला मैंने, हम सब ने इरादा किया है कि आपकी हिफाजत करेंगे जब तक रमजान गुजर ना जाए। क्या कहना अली का? कहे हुज़ैफ़ा मैं कौन हूं? अब मेरे इमाम है। कहा मैं तुझे हुक्म देता हूं तू वापस चला जा। हुज़ैफ़ा को हुक्म इमाम आया, हुज़ैफ़ा पलटे, लेकिन बार बार अली के चेहरे को देखते जाते थे और कहते थे कहीं वही रात ना हो, कहीं वही रात ना हो। अली की रात गुजरती गई, बार बार कहते थे अपने असहाब को याद करके, ऐना अम्मार, ऐना इब्न तैहान, अम्मार कहाँ है, इब्न तैहान कहाँ है, ऐना ज़ू शहादतैन, खुज़ैमा बिन साबित कहाँ है? बस ये वही जुमले थे। तब हुसैन रुख़सत आखिर को निकले थे, कहते थे ऐना मुस्लिम अब्लागी। असहाबे बावफा को याद किया। सुबह की अजान से पहले अली निकलना चाहते हैं कि मुर्गाबियों ने घेर लिया हक वली को, दरवाजे से जाने नहीं देती थी अली को। छोटी छोटी मुर्गाबियां आ गई और अपने मिनकारों में उन्होंने अली के दामन को थाम लिया, जैसे जबान बेजबानी से कह रही हूं कि मौला ना चाहिए, अली हमें छोड़कर ना चाहिए। अली ने उम्मे कुलसुम की तरफ देखा, कहा बेटी अगर इनके दाने पानी का ख्याल कर सको तो इन्हें अपने पास रखना, वरना इन्हें आजाद कर देना। इसलिए कि अली पसंद नहीं करता कि अली के घर में कोई जानवर रह जाए और वो भूखा प्यासा रह जाए। मौला जिस कूफा में वसीयत की थी उसी कूफा में आपकी सकीना सवाल आप करती रही, कोई अली की बेटियों को पानी देने वाला नहीं था, कोई अली की पोती को पानी पिलाने वाला नहीं था, या अली हैदर कर रहा। कमर बंद उलझा, दीवार दरवाजे में उलझा, मौला ने कमर बंद को ठीक किया, कहा या अली उस्दुर हयाज़ मकलिल मौत फ़इन्नल मौत लाक़ी का, ए अली अपनी अपनी कमर को मौत के लिए तैयार कर ले, यकीनन मौत तुझसे मुलाकात करने वाली है, तशरीफ लाए मस्जिद में। या अल्लाह, अजीजों आज आखिरी मरतबा है कि जब अली ने पढ़ा मौलाया या मौलाया अंचल मौला, मस्जिद कूफा में अली की मुलाजा, मौलाया या मौलाया अंचल मौला व अना अल-अब्द व हल यरहमुल अब्द इल्ला अल-मौला। परवरदिगार तू मौला है, मैं बंदा हूँ, बंदे पर सिवाय मौला के कौन रहम करेगा? मौलाया या मौला अंतल खालिक व अना अल-मखलूक, तू खालिक है मैं मखलूक हूँ, मखलूक पर सिवाय खालिक के कौन रहम करेगा? अली मुनाजात पढ़ रहे थे, ये आखिरी मौका है जब अली ने मस्जिद कूफा में मुनाजात पढ़ी है। उसके बाद माजन मस्जिद पर आए जहां अजान देने की जगह थी, आखिरी अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अली अजान दे रहे थे, कूफा की गलियों में अली की आवाज गूंज रही थी, लोग आहिस्ते आहिस्ते आना शुरू हुए। देखा एक शख्स है कि जो औंधा लेटा हुआ है मस्जिद में, मैं कहूंगा मौला सबको जगाइएगा लेकिन इसे ना जगाइएगा, लेकिन अली जवाब देंगे कि कुछ भी हो जाए अली अपने कातिल को भी बेनमाजी नहीं देख सकता है। वो अली जो अपने कातिल को बेनमाजी ना देख सके, वो अपने मानने वाले को बेनमाजी कैसे देखेगा, जरा सोच लेना। अली ने इब्ने मुल्जिम को बेदार, इब्ने मुल्जिम को बेदार किया, नमाज का वक्त हो गया है, वो लईन उठा। अली इब्ने अबी तालिब ने नमाज पढ़ाना शुरू की, पहली रकत है, रुकू में गए सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, अब पहला सजदा है। इब्ने मुल्जिम, आए हाय,
अजीजों मैंने पढ़ा है किताबों में कि जो तलवार थी ना वो अबरुओं तक शक होते हुए आ गई थी। यहां अली का सजदे से सर उठा, वहां तलवार गिरी, अली जिब्न अबी तालिब का फर्क अकदस शक हो गया, मस्जिद कूफा के मीनार हिलने लगे। लकद तहतमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, आज हिदायत का रुकन मार दिया गया। अलाकत खुदेला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन मारेगा जिब्राइल ना बढ़ रहे थे, अली जिब्न अबी तालिब का सर जख्मी था। मैं कहूंगा मौला आप पर सजदे में वार हुआ लेकिन खुद सर उठा लिया, सलाम उस हुसैन पर, हुसैन का सर सजदे में कलम हुआ लेकिन सजदे से सर न उठा, नौके नैजा पर हुसैन का सर। थोड़ा सा और आवाजों को आजाद करना, आखिरी जुमला कहने लगा हूं, बाकी मसाइब आमाल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह और बाकी मसाइब कल की मजलिस में, जरा साथ साथ रहिएगा। अली ने हसन को आगे किया, हसन के लिए गदीर बनाई, हसन की इमामत में नमाज को पूरा किया, मेरे बाद हसन इमाम है। जहां नमाज खत्म हुई तो अली गुनूदगी के आलम में गए, जैसे ही गुनूदगी के आलम में गए कुछ देर बाद आंखें खोली, देखा हसन की गोद में अली का सर है। का बेटा हुसैन कहाँ है? हसन हुसैन कहाँ है? का बाबा वो आपके कदमों से, रिवायत में कि हुसैन अपने रुखसारों को अली के तलवों से लगा लगा कर कहते थे, ला यौमा, बाबा इस दिन के बाद जो रसूल अल्लाह कहे थे उसके बाद ये सबसे सख्त दिन है। गोया अली ने पलट कर कहा, नहीं बेटा हुसैन, ला यौमा गया हुए गया बाप। हुसैन शिद्दत से रो रहे थे, आखिरी जुमले पर आ गया, बहुत रो चुके, आखिरी जुमले पर आ गया। क्या बेटा सब्र करो, ये देखो नाना रसूल अल्लाह खड़े हैं, ये देखो दादा इब्राहिम खड़े हैं, ये देखो दादा इस्माइल खड़े हैं, ये क्या कहेंगे? अली का बेटा था, सब्र न कर सका, बेटा आहिस्ते रोला। बस ये खानदान अहले बैत में तसल्ली का अंदाज, जब करबला में बूढ़े बाप ने जवान के गले जैसे बर्छी खींची, अकबर का कलेजा हिला, हुसैन को बाबा अली का जुमला याद आ गया, का बेटा अकबर सब्र करना, ये देख दादा इब्राहिम खड़े हैं, ये देख इस्माइल खड़े, ये क्या कहेंगे? हुसैन का बेटा था, सब्र ना कर सका। मल सने अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब, अपने आप को नजफ में महसूस करना अली के आरम में सब मिलके, ये या हुज्जत अल्लाह अला खल्के, या सैयदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमना के बैन यदै हाजातना, इतना बड़ा मजमा है, नाम है हैदर कर्रार पर, शबे 19 रमजान है, या वजीना इश्फालना, अली का जख्मी सर सोच के मिल के पढ़ना है, या वजीना इश्फालना करार।